एक और पॉइंट, अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कुछ आयनिक सॉलिड्स को एक एक करके शुरू करें। आयनिक सॉलिड एंड देयर अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर, आयनिक कंपाउंड्स। हम सबसे पहला हमारा जो हमारे सिलेबस में है वो 5 है, वन बाय वन हम सबको करते हैं। सबसे पहले है NaCl स्ट्रक्चर, इसको रॉक सॉल्ट ऑब्लिक 6:6 स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है इसका अरेंजमेंट एक बार देखिएगा। इन NaCl Na प्लस आयन प्रेजेंट ऑन FCC लैटिस पॉइंट, FCC लैटिस पॉइंट यानी FCC लैटिस पॉइंट है यहां, और एंड Cl माइनस आयंस प्रेजेंट ऑन ऑक्टाइडल वॉइड, ये आपको यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ऑक्टाइडल वॉइड में है और ये FCC लैटिस पे है। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है, और वाइस वर्सा। देखिए वाइस वर्सा हम वहां लिख सकते हैं जहां हमारे पास AB टाइप के सॉल्ट हैं, जैसे NaCl, ZnS एक्सेस्ट्रा, सीजियम क्लोराइड एक्सेस्ट्रा। तो जो AB टाइप के सॉल्ट है वहां तो वाइस वर्सा कर सकते हैं, लेकिन A2B और AB2 टाइप के सॉल्ट में नहीं कर सकते, अंतर हो जाता है। तो इसमें कहां एटम है हमारे पास, देखिएगा ध्यान से। आपको जनरली आदत यह है कि जो बड़ा एटम है उसको आप लैटिस एटम पे रख दो, ठीक है। Cl माइनस आपने यहां रख दिया, ये कौन है Cl, ठीक है, एक पीछे वाला फेस छूटा हुआ है, ये Cl माइनस मान लीजिए। Na प्लस कहां पर है फिर आपके, यहां हो जाएगा, या उल्टा रख लो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Na प्लस आपके पास कहां पर है, एज सेंटर पे, और बॉडी सेंटर पे। अगर आप यहां से एज स्टार्ट करोगे तो ये अपने आप ही एज सेंटर पे हो जाएगा। जैसे ही आपकी लाइन नीचे आएगी, ये कॉर्नर एटम हुए तो ये एज सेंटर बन जाएगा, यस और नो? इसलिए मैं वाइस वर्सा बोल पा रहा हूं यहां। दूसरा पॉइंट, मेरे लिए जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड इफेक्टिव ऑफ Cl माइनस, देखते ही पता चल रहा है, FCC पॉइंट देखते ही 4। जेड इफेक्टिव Na प्लस क्या है आपके पास, 4, क्योंकि ऑक्टाइडल वॉइड 4 होते हैं। 12 मल्टीप्लाई पर हर एक एच का जो होता है वो 1/4 प्लस सेंटर का 3+1 4, और यहां पर 8 कॉर्नर 8 मल्टीप्लाई पर 1/8 प्लस 6 फेस, फेस का 1/2 होता है, हम पढ़ चुके हैं। तो 4 तो आपके पास Cl है, 4 Na है, तो इससे आपके पास जो यूनिट फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, यूनिट फॉर्मूला, यूनिट फॉर्मूला आपका बनेगा वो है Na4Cl4। आपको डेंसिटी निकालनी होती है तो यूनिट फॉर्मूले की जरूरत है, ना कि एम्पिरिकल फॉर्मूला या सिंपल फॉर्मूले की, ठीक है। तो अब आप मुझे दूसरा पॉइंट बताएंगे, फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आपको बताया, ए की वैल्यू क्या है यहां पर, ए की वैल्यू है यहां पर, कैसे मैं लिख पा रहा हूं देखिएगा ध्यान से। ये मेरा पास क्यूब है, यहां पर कॉर्नर पे कौन है, कॉर्नर पे कौन है Cl, और बीच में कौन है Na, तो ये R माइनस, ये R माइनस, और ये 2R प्लस, 2R प्लस 2R माइनस, तो ये हमारे पास A हो गया।
हमें क्या जरूरत है इसके लिए, हमें थर्ड पॉइंट डेंसिटी की जरूरत है। डेंसिटी क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो कितने एटम है सोडियम के, 4। एक एटम का कितना है, 23। सीएल कितने, सीएल भी 4 है। एक सीएल का कितना है आपके पास, 35.5 डिवाइडेड बाय एनए, ए क्यूब। ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2R प्लस प्लस आर माइनस क्यूब। बोलो हाँ या ना, कोई डाउट नहीं है। क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है यहाँ पर, ए बाई टू। क्लोजेस्ट अप्रोच होता है कहीं पर भी, यहीं नहीं, हर जगह। क्लोजेस्ट अप्रोच वो होगा R प्लस प्लस आर माइनस, हर जगह। और R प्लस आर माइनस क्या है आपके लिए, यहां पर A बाई टू। अगर आपको क्लोजेस्ट अप्रोच दे रखा है तो इसका मतलब A बाई टू दे रखा है, जिसे आप A निकाल सकते हैं, और A यहां A क्यूब डिवाइड करके डेंसिटी निकाल सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट, क्या लगता है कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैसे निकालेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन ए प्लस, एन ए प्लस कहाँ पर है, ऑक्टेटल वर्ड में, कितना होगा, 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर सी एल माइनस कहाँ पर है, क्योंकि ए बी टाइप का सॉल्ट में दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सेम। एस एल पॉइंट याद है, ए बी टाइप अगर सॉल्ट है तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, सेम। ये ऑक्टाइडल वॉइड में, ऑक्टाइडल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6। टेट्राइडल का 4, क्यूबिक का 8। बोलो हाँ। फिर भी अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे समझा सकता हूं। मुझे इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, इसके सबसे ज्यादा पास कौन होगा, ये मान लीजिए Na प्लस है, इसके सबसे ज़्यादा पास कौन होगा, Na प्लस या Cl माइनस। Cl माइनस कैटायन के सबसे पास एनायन होता है, और एनायन के सबसे पास कैटायन, और Cl माइनस आपके पास कहाँ पर है, एक यहाँ, एक यहाँ, दो, एक दो, एक यहाँ 3, एक इधर की तरफ 4, एक बाहर की तरफ 5, एक अंदर की तरफ 6, ठीक है। तो ये इस तरह से 6 होगा, और इसका ऑक्टाइडल वॉइड नाम ही इसीलिए है क्योंकि इसके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, इस तरह से अटैच, चारों तरफ से घिरा हुआ है। देखिए आपने NaCl स्ट्रक्चर पढ़ा, NaCl के लिए आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं 6 6। दूसरा क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, ए बाई टू। तीसरा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर प्लस आर माइनस एंड ए, आर प्लस प्लस आर माइनस मल्टीप्लाई बाय टू इक्वल टू ए। तीसरा क्वेश्चन व्हाट इज द डेंसिटी, डेंसिटी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास हमें लेना है 4Na का 4Cl का, डेंस वॉल्यूम में लेना है ए क्यूब, और ए को आप आर की टर्म में रखना सीख चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हो सकता है वो आपसे कुछ और तरह का एग्जांपल दे दे, एक कह दे कि एक ए बी तरह का कंपाउंड है, वो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर रखता है, मतलब वो NaCl स्ट्रक्चर रखता है, बस खत्म। तो कोई भी हो सकता है, वो KCl हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर उसने बोल दिया रखता है तो रखता है, फिर आप अपना दिमाग ना लगाएं। दूसरा